हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कशन माइनर टेस्ट सीरीज जो हुआ था, टेस्ट नंबर 14, जिसमें क्या आया था, सॉलिड स्टेट एंड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में द वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन एफ सी सी यूनिट सेल, एफ सी सी में वॉल्यूम ऑफ क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू जेड। तो कितना हो गया, 4 बाई 3 पाई आर, यार 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, और एफ सी सी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4, कितना हो जाएगा, 16 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 16 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 कहाँ पे है, 16 पाई आर क्यूब, 4th आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्टी सेवन, ठीक है, इसमें लिखा है इन अ सॉलिड एबी हैविंग NaCl ए एटम ऑक्यूपाई कॉर्नर्स, इफ ए एटम ऑक्यूपाई, अच्छा ए एटम ऑक्यूपाई का, अब देखो NaCl में, अरे यार, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये कहाँ होता है, एज पे होता है और बॉडी सेंटर पे, ये कहाँ पे होता है, कॉर्नर और फेस पे। अब कह रहा है ए एटम कहाँ पे है, कॉर्नर, मतलब ये Cl माइनस इक्वल टू क्या दिया है, A, और ये इक्वल टू क्या दिया है, अब आगे चलते हैं। इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम अलोंग वन एक्सिस, ऑल द फेस सेंटर्ड एटम अलोंग वन एक्सिस आर रिमूव्ड, देन रिजल्टेंट स्टोइकोमेट्री। कह रहा है कि एक एक्सिस ऐसा पास करें जिससे जितने भी फेस सेंटर्ड एटम है उनको हटा दिया जाए, तो दो हट जाएगा ये, ठीक है, दो हट जाएगा। अब बचा कितना, ये 4, तो 4 × 1/2 ये हो गया। कॉर्नर को तो बोला नहीं हटाने के लिए, ये पूरा 1 आ जाएगा, बॉडी सेंटर पूरा क्या आएगा, 1, एज सेंटर से पूरा कितना आएगा, 3। तो कुछ इस टाइप का हमारा होना चाहिए। तो ए कितना आ रहा है, 3, ए 3 बी 4, ठीक है, ए 3, ए देखो आ गया 2 and 1 3, और बी कितना हमारे पास है, 4 है, बी आ गया 4, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 वाला, अरे द नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पूछा है। तो बॉडी सेंटर में कहां कहां एटम होते हैं, कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे, कॉर्नर से बॉडी सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, कॉर्नर ये आ गया ना, यहां एटम है हर जगह और ये बॉडी सेंटर है, कॉर्नर से बॉडी सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, √3a/2, कॉर्नर से कॉर्नर का डिस्टेंस कितना होगा, a, ये छोटा है, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितना आएगा, 8,
और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ए पर कितना आता है, 6 आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की दूरी कितनी हो जाएगी, ए आएगी। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना आएगा, कितना आएगा, ए, क्योंकि भाई ये फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया, उससे जो थोड़ा बड़ा होगा तो ए ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, फोर्टी नाइन में। चलो थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। आइस, आइस क्या होता है, हाइड्रोजन बर्निंग होता है आइस में, चलो ठीक है। इसका तो हो गया क्यू, ठीक है। सॉलिड CO2, मॉलिकुलर क्रिस्टल, सॉलिड CO2 में मॉलिकुलर ही होगा, मॉलिकुलर ही है। ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, आप जानते हो, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। थर्ड का कौन सा हो रहा है, S। पहले इतना ही मैच करा लेते हैं, Q, P, थर्ड का S, थर्ड का S, तो आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, फोर्थ आंसर अपना चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा, सॉरी नॉट करेक्ट, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन अनइफेक्टेड। शॉर्ट की डिफेक्ट में यही इनकरेक्ट, पहले ही हो गया। शॉर्ट की डिफेक्ट में आप जानते हैं इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं फ्रॉम देयर लैटिस साइड, सो डेंसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फर्स्ट ही आंसर हो गया वैसे तो। ओके, 50 हो गया था हमारा ना, क्वेश्चन नंबर 50 ऑलरेडी डन है। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे। चलो भाई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन इन CF2, तो एक्चुअल में ये कितना होता है, सी ए होता है 4, एफ होता है 8। सोडियम Na2O में Na कितना होता है, Na होता है 8, O होता है 4, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसका तो आ जाएगा 8:4 और इसका कितना आएगा 4:8, 8:4:4:8 ये आ गया, ये आ जाएगा अपना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्साइड आयन हैविंग HCP अरेंजमेंट एंड केटायन Mg2। देखो भाई, ऑक्साइड है, HCP का मतलब 6 हो गया, और M कह रहा है 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, 2/3 ऑक्टाहेड्रल वाइड नंबर ऑफ एटम के क्या होता है, बराबर होता है 2 हो गया, M4O6 आंसर क्या आ जाएगा, M2O3। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, ए एंड बी एटम, ए एटम आर एट कॉर्नर ऑफ द सेल। चलो भाई, ए कॉर्नर पे है, ए कॉर्नर पे है, बी एटम एट फेस, बी एटम एट फेस। अब क्या है, वन ऑफ द ए एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, तो मतलब बचा कितना, 1/8 × 7, एंड ये बचा है कितना हो गया, 1/2 × 6,
तो ए कितना आ गया 7/8 और बी कितना आ गया 3। इसको थोड़ा सिंपल आंसर आ गया वैसे तो। नहीं पूछा क्या है, कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा है ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए कंपाउंड का फॉर्मूला। मल्टीप्लाई कर दो तो ए 7b 24, ए 7b सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डेंसिटी ऑफ के बी आर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ यूनिट सेल सब दिया है, पोटेशियम, देन व्हाट इज द ट्रू अबाउट द, देखो के बी आर क्या होता है, के बी आर होता है NaCl टाइप, NaCl टाइप पॉजिटिव नेगेटिव। तो कहाँ कहाँ होगा, देखो एक फेस का बनाया है, पॉजिटिव कहाँ पे होता है, यहाँ पे, नेगेटिव कहाँ पे होता है, कॉर्नर पे भी और फेस पे भी, ठीक है। अब देखो पूछा क्या वैसे, प्रेडिक्ट इन नेचर, व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट, सॉलिड हैज फेस सेंटर, ठीक है फेस सेंटर तो है ही, कोऑर्डिनेशन नंबर ये सही है, ट्रू ही पूछा है ना। देखो यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी आएगी, a/2, a/2 पर कितने होंगे, a/2 पर कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा, 6। अगर यही पूछता ना कि सिर्फ दे दिया कि a एटम ऑक्युपाई बाय FCC देन द कोऑर्डिनेशन, तब तो 12 आ जाएगा, बट ये दिया है सॉल्ट का KBR, KBR में K पॉजिटिव और BR नेगेटिव, तो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस इसमें आती है a/2, और a/2 a या a/2 पर देखोगे ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आएगा। नेक्स्ट क्या, क्रिस्टल मेडअप ऑफ एक्स वाई, एक्स एटम FCC, एक्स मतलब चलो FCC मतलब कॉर्नर पे है और फेस पे है, वाई ऑक्युपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड, वाई ऑक्युपाई ऑक्टा, ठीक है ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑफ एक्स, ठीक है, जेड ऑक्युपाई ऑल टेट्राहेड्रल वाइड, TD वाइड में है, चलो। अब इफ ऑल द पार्टिकल अलोंग वन बॉय डायगोनल, वन बॉय डायगोनल तो दो कॉर्नर चला जाएगा, दो टेट्राहेड्रल वाइड, देखो भाई एफ दो कॉर्नर चला गया, टेट्राहेड्रल वाइड कितने रहे होंगे 8, तो बचेंगे कितने 6, एक बॉय डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड 4, तो बचा कितना 3, दो कॉर्नर गए तो बचा कितना 1/8 × 6, फेस कोई नहीं गया ये पूरा आएगा 3 अलोंग वन बॉय डायगोनल। तो अब कर लो इसको, तो वाई तो देखो हो गया 3, जेड हो गया, जेड हो गया टेट्राहेड्रल वाइड 6, और ए देखो कितना आ रहा है, ये हो गया कितना 3/4, तो ए आ रहा है 3/4 + 3, 3/4 + 3 15/4, 15/4, चलो 15/4 करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ए 15 y 12 24, और भी हो सकता है 5 से 33 हो जाएगा, ए 5 y 4 z 8, 5 4 8 5 4 8 कहीं पे नहीं है, आ गया 5, ठीक है क्वेश्चन नंबर 55 फोर्थ आंसर चला जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, अब मेटालिक क्रिस्टल क्रिस्टलाइन एबीएबी टाइप क्या होता है, एबीएबी टाइप कौन सा होता है, एचसीपी, ठीक है तो एचसीपी का परसेंटेज कितना होता है 74%, तो वॉइड कितना हो जाएगा 100 - 74, 26 आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब रेशियो ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी FCC का कितना होता है अबाउट 0.74, BCC का 0.68, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 0.52। अब रेशियो निकालो, सिंप्लीफाई कर लो इसको, ठीक है ये होता ही है, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो फर्स्ट जो भी आएगा एक बार देख लेना एक बार, ठीक है सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको जितना भी, नेक्स्ट
58, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, ट्राइक्लिनिक आप जानते हो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल होता है, तो सबसे अनसिमेट्रिकल कहां दिख रहा है, ये वाला देखो दिख रहा है, कोई भी बराबर नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ग्राफ ये दिया है, ग्राफ यहां पर इस पॉइंट पर देखो, ये मान लो ए था, ए माइनस एक्स, तो ये कितना होगा 4x। 30 आवर पे यहां पे आपको देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर बोल रखा है, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर है। 30 आवर पे, 30 आवर पे क्या होगा, ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 4x, सो ए इक्वल टू कितना हो गया 5x, सो एक्स इक्वल टू ए बाई 5, मतलब जितना था उसका 1/5 पार्ट निकल गया 30, तो 1/5 पार्ट का मतलब कितना हो गया 20% ही होता है, 1/5, 1/5 कितना होता है 20%, तो 30 आवर पे ओनली 20% रिएक्शन कंप्लीट, ये सही है। अच्छा और भी है इसमें, चलो भाई, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 90 आवर, अब ये निकालना पड़ जाएगा ना, तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसके लिए अब हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू क्या होता है के बाई 0.693। अब आप चाहे तो इस वाले की हेल्प से के निकाल लो, के इक्वल टू 30 आवर पे, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 30 आवर में इसको ले रहा हूं, ठीक है, लॉग ऑफ, इस पर 20% कंप्लीट हुआ तो पहले कितना रहा होगा 100/20, यहां से के आ जाएगा तो यहां से हाफ लाइफ आ जाएगी, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं इसको, यस। चलो नेक्स्ट कर देते हैं, ट्रू ही पूछा है ना, 59 का ट्रू ही पूछा है ना, हाँ आ जाएगा, ठीक है कर लेना, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेशन। नेक्स्ट ये भाई, अ केमिकल रिएक्शन ऑफ अननोन ऑर्डर ए टू पी स्टार्टेड विद ए इनिशियल कंसंट्रेशन, अननोन ऑर्डर है, चलो ठीक है, ए है, जब जीरो टी है, ये ए ले लेता हूं, टी इक्वल टू जीरो, तब ये कितना था 2×10⁻³, अब कह रहा है 30 मिनट, 30 मिनट बाद कितना हो गया 10⁻³, फिर कह रहा है 90 मिनट बाद, 90 मिनट के बाद कितना हो गया 5×10⁻⁴, अब कह रहा है, अब इसमें देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऑर्डर निकालना पड़ेगा ना, तभी तो आगे बात बनेगी, तो देखो हमारे पास इक्वेशन जीरो ऑर्डर का क्या है, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, अगर टाइम इंटरवल कॉन्स्टेंट है तो इनका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा तो आ नहीं रहा हमारा ना, या फर्स्ट ऑर्डर का क्या है के टी इक्वल टू ln ए नॉट बाई ए टी, अगर टाइम इंटरवल कांस्टेंट है तो इनका रेशियो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, और सेकेंड ऑर्डर का के इक्वल टू 1/t ए टी माइनस 1/a0। अब आपको देखना ये पड़ेगा कि ये जो डेटा दिया हुआ है ना वो किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, जिस इक्वेशन को फॉलो करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर, तो देखोगे आप ना सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करेगा, ये सही है। अब अच्छा इसमें और भी है, 3 बिगनिंग कंसंट्रेशन, अब सेकेंड ऑर्डर का मतलब तुम्हें ये तो पता लगेगा, अब उसमें ये वाला रख के देख लो कि क्या भैया आफ्टर थ्री आवर कंसंट्रेशन ऑफ ए इतना हो रहा है, डिक्रीजेस, विल डिक्रीजेस, मतलब ए टी निकाल लेना आप, बचा का पता लग जाएगा इसमें सेट हो रहा, ये देखो ए प्लॉट ए वर्सेस टी विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, इसको आप चाहे तो सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा स्ट्रेट लाइन, ए प्लॉट स्ट्रेट लाइन, अ प्लॉट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाँ ये तो सही है, डी हाफ लाइफ आ जानते हो, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए पावर एन माइनस वन, अगर ये सेकेंड ऑर्डर है तो पक्का हाफ लाइफ यही आने वाला है, ठीक है, तो ए और डी तो सही हो रहा है, ग्राफ खींच करके देख लीजिएगा इसका। तो हमारा मेन इसमें काम क्या था कि हमें पहले तो ये पता करना था कि ये जो डेटा दिया है किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है,
अरे वो ऑर्डर पता लग गया ना, सेकंड ऑर्डर, अब बाकी को मैच करा लेना उसके साथ। यस For the reaction A to B, when the concentration of A was double, the rate of formation of D was double. जब ये double हुआ तो ये भी double. इसका मतलब इसके power में कितना रहा होगा? One. First order हो गया. When the concentration of B half, जब ये आधा किया तो ये 1/4 हो गया. इसका मतलब इसके power में कितना रहा होगा? 2. तभी तो होगा. अब पहला देखते हैं. ये तो गलत हो गया. अब आगे देखते हैं. और when the concentration of B half, चलो ये हो गया. Doubling the concentration, no effect. इसका मतलब C के power क्या रहा होगा? Zero रहा होगा. चलो खैर ये तो गलत हो गया. C must be involved in, must तो नहीं हो सकता है, ये गलत है. A and B participate, third answer सही है. Rate determining step से ही rate निकाला जाता है. Rate law लिखोगे rate determining step से, तो A भी participate क्योंकि इनका concentration change करने पर rate में क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है. तो ये हमारे rate determining step में तो रहेंगे. Order of C कितना आएगा? Zero, because इसका concentration change करने पर rate पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इसके पावर में कितना रहा होगा? जीरो ही रहा होगा. नेक्स्ट, 80% रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन अ सैंपल आर फाउंड टू रिमेन अनडिके आफ्टर वन डे, देन द परसेंटेज ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई आफ्टर टू डे. तो देखो यार, इससे पहले तो के निकालना पड़ेगा. के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई कितना है? वन डे. वन डे में ही रख लेते हैं. log of 80% nuclei present sample undecayed form में, पहले कितना था? 100, बचा कितना है? 80. यहां से k आ जाएगा, equal to, k आ गया, equal to 2.303 divided by t, 2 day into log of, पहले तो 100 था, अब percentage पूछा है, तो क्या पूछा? undecayed. undecayed का मतलब क्या हुआ? बचा, मतलब 80 आपसे क्या हो रहा है? पूछ रहा है. तो ये तो कट ही गया, सॉरी ये 2 इधर आ जाएगा, बाकी मतलब सॉल्व कर लेना, 80 आ जाएगा यहां से. यस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं ना, रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर होते हैं. नेक्स्ट देखिए, फॉर द गिवन रिन ए के लिए पहले निकाल लेते हैं. देखो अगर ये डबल हो रहा है, जब किसी एक का निकालना है तो एक को कांस्टेंट कर लो, इसको तो बी को कांस्टेंट कर लो, इसका जब चेंज हो रहा है तो इसको कांस्टेंट कर लो. तो ये डबल हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? डबल ही हो रहा है. तो ए के ऑर्डर कितना आएगा? 1. अब इसका देखो, इसका डबल हो रहा है, इसका कांस्टेंट करो, इसका ये कांस्टेंट करना पड़ेगा. ये डबल हो रहा है तो ये भी कितना हो रहा है? अब इसका निकाल सकते हैं आप चाहे तो. जैसे देखो, R1/R2 इक्वल टू C1/C2. अब C1/C2 1 से 0.2 हुआ, 1.1 से 0.2 हुआ, पावर हमें ऑर्डर नहीं पता है. इक्वल टू रेट पर क्या फर्क पड़ा? रेट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. रेट पर जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब B के पावर कितना होगा? सीधी सी बात है, जीरो ऑर्डर हो गया. B के पावर कितना हो गया? जीरो. रेट पर देखो, कंसेंट्रेशन तो चेंज हो रहा है बट रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो रेट लॉ क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा? 1. सम ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म. यस. नेक्स्ट देखते हैं. रिएक्शन ए प्रोडक्ट प्लॉट ए वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन द फर्स्ट द ऑर्डर. देखो आप जानते हैं जीरो ऑर्डर का आएगा. A0 - AT इक्वल टू KT. तो AT इक्वल टू कितना आ जाएगा? AT इक्वल टू A0 - KT. तो ये y इक्वल टू क्या हो गया? C - MX. ऐसे आएगा, ठीक है? AT वर्सेस T. तो कौन सा इक्वेशन को फॉलो कौन कर रहा है? जीरो ऑर्डर. जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है इसलिए जीरो ऑर्डर लिख दिया. बाकी फर्स्ट ऑर्डर में ln आ जाएगा यहाँ पे, तो दिक्कत हो जाएगी ना. नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी. ये देखो सनलाइट के प्रेजेंस में जो होता है ना,
वो सारे रिएक्शन क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर होते हैं, तो ऑर्डर तो देखो जीरो आएगा, मॉलिक्युलरिटी इसकी क्या है, टू है, तो आंसर कितना हो गया, सेकेंड हो गया। नेक्स्ट, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बिकम हाफ व्हेन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस टू। तो देखो इसमें पहले तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए पावर एन माइनस वन। कह रहा हाफ लाइफ हाफ हो जाए जब कंसेंट इनिशियल कंसेंट्रेशन, मतलब इसको डबल करें तो हाफ हो जाए, ऐसा इक्वेशन किस में आ रहा है। एन की वैल्यू अगर मैं टू रख देता हूँ, एन की वैल्यू अगर टू में रख देता हूँ तो हाफ ए के पावर कितना हो जाएगा, वन। एन की वैल्यू अगर टू रखा है तब तभी आएगा। अब देखो इसको डबल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आधा। अब एन की वैल्यू टू रखा है इसका मतलब ऑर्डर कौन सा हो गया, सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्लोप एल एन के, एल एन के इक्वल टू क्या होता है, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, आरहेनियस इक्वेशन। तो वाई हो गया, ये तो हो गया सी माइनस, ये हो गया एम, और ये हो जाएगा इंटू वन बाई टी, क्या हो जाएगा, एक्स। अब पूछा क्या है, व्हेन के इज द रेट कांस्टेंट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ एल एन के वर्सेज वन बाई टी, तो स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई ए बाई आर। 68 का क्या आएगा, माइनस ऑफ ई ए बाई आर, नेगेटिव स्लोप आएगा। नेक्स्ट, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई के, और जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के। हाफ लाइफ द रेशियो, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ तो दोनों का क्या है, सेम है, चलो ठीक है, दोनों का बोल रहा है। देन द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट, अच्छा रेट पूछा है, चलो ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, देखो तो इनिशियल आर इक्वल टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर के ए आ जाएगा, ए नॉट, ए नॉट, और जीरो ऑर्डर का आर जीरो, ये तो के ही आएगा क्योंकि ए के पावर क्या हो जाएगा, जीरो। अब के रख लेते हैं इसका, तो देखो इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आएगी, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ इंटू ए नॉट, इधर के की वैल्यू क्या आएगी, टू टी हाफ डिवाइडेड बाई ए नॉट, ये आएगा। सॉल्व कर लो इसको, ए नॉट, ठीक है, के की वैल्यू 2t हाफ डिवाइडेड बाई ए नॉट बाई 2k ही आती है, हाँ ठीक है, 2t हाफ डिवाइडेड बाई ए नॉट, यस, और ये आ जाएगा ऐसा कुछ, सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा जो भी है, ठीक है। ए नॉट बाई 2k, यस, हाफ लाइफ का जीरो ऑर्डर का तो यही आएगा, देखो ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, ये टू के, टू के कैसे आया एक बार चेक कर लेते हैं, हाफ लाइफ मतलब अब बचा ए नॉट, हाँ यही आएगा के टी हाफ, ए नॉट बाई टू के ही आएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, आर इनिशियल, अब पूछा क्या है इसे, ये द इनिशियल द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू दैट ऑफ जीरो ऑर्डर, यही सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करोगे आ जाएगा अपने आप ही। नेक्स्ट पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, विच ऑफ दीज चेंजेस विद टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो टाइम के साथ, क्योंकि आर इक्वल टू क्या है, R इक्वल टू के ए के पावर ए, ए आ गया, टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, तो रेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ये तो होगा, ये तो चलो सही है, रेट कांस्टेंट तो डिपेंड करता ही नहीं है, हाफ लाइफ में भी कोई भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, हाफ लाइफ टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज होगा बट हाफ लाइफ इसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो आंसर सिर्फ कौन सा बन रहा है अपना, फर्स्ट, फर्स्ट।
द रेट कॉन्स्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट देखो ये आ गया, फर्स्ट ऑर्डर बोल ही दिया, इसमें तो कोई जरूरत है, एट द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन इतना द रेट ऑफ रिएक्शन, तो फॉर्मूला ये लिख लो, आर इक्वल टू रेट के ए पावर कितना हो गया 1, तो के कितना दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है आ गया आंसर जो भी आना है। नेक्स्ट देख लो, अब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ आपको पता है एट इतना मोल पर रिएक्टेंट रेट, द रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन दिया है 0.1, के निकालना पड़ेगा, तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ 0.1, टी हाफ आपको पता है आ जाएगा, रेट आ जाएगा, यहां से रेट आ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया 0, k इक्वल टू क्या होता है ए ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी, अब करा एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए, जब यही 0 हो गया तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा a, तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट उतना ही रहेगा, कांस्टेंट ही हो गया, सेकंड आ जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड, अब वन सी वन बाई टू आ रहा है, सी वन बाई टू देखो यहां से आ सकता है, सी वन बाई टू यहीं से आ सकता है, यस सी वन बाई टू यहीं से आ सकता है और तो कहीं से नहीं आ रहा है सी वन बाई टू, क्योंकि हमें अच्छा सॉरी 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 सी वन बाई टू चाहिए ना, सी वन बाई टू यहां से भी आ सकता है, ये भी है, प्लस में चाहिए, पहले तो प्लस में चाहिए, प्लस में सी वन बाई टू तो यही होगा, क्योंकि ये तो रिएक्टेंट साइड है तो माइनस में हो जाएगा सी वन बाई टू, और तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि ये वन बाई टू का वन बाई टू करोगे तो टू पर आ जाएगा आंसर, कुल मिला के 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए बी गिवेन बाई इतना ऑन डबलिंग, देखो आर इक्वल टू हो गया के आर वन कर लेते हैं इसको, के ए पावर एन बी पावर एम आर टू के, अब कह रहा है ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू ए पावर एन और हाफ द कंसेंट्रेशन ऑफ बी बी बाई टू पावर एम, तो देखो होगा क्या ये a पावर n b पावर ये सब तो कट कुट जाएगा ना, तो r1 वन बाई आर टू इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 पावर m डिवाइडेड बाई 2 पावर n, तो ये हो गया 2 पावर m माइनस n, 2 पावर ये r1 वन बाई आर टू आया है ना, तो पूछा क्या है द रेशियो ऑफ न्यू रेट, न्यू रेट का मतलब आपसे पूछा क्या है r2 टू बाई आर वन, उल्टा कर दो तो 1 बाई 2 पावर m माइनस n, या क्या कर सकते हैं 2 पावर n माइनस m, अब ऐसा कहीं है ये आ जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन द आर्हेनियस इक्वेशन द रेट कॉन्स्टेंट डिक्रीज विद इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, भाई इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू तो घटेगी ना, तो डिक्रीज ही करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी वैल्यू घटेगी, तो सही बात है, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो गया, ये इक्वेशन दिया हुआ है इसमें रख के देख लो। अब इसका देखते हैं, लॉग के है तो आप जानते हो लॉग ऑफ के इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1 बाई टी, ये आएगा। अब कंपेयर करते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर 10 टू द पावर 5 तो नहीं हो सकता, 10 टू द पावर 5 अगर रहेगा तो यहाँ 5 आ जाता है, यहाँ 5 होना चाहिए कुल मिला के, 5 है कहीं पे, ये देखो डी सही है,
बहुत सारे इसमें है, प्री एफ, चलो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। डी किस में है, डी इसमें, इसमें। अब सी और बी देख लो, ई ए 2000 आ रहा है किलो किलो कैलोरी में, तो कंपेयर कर देते हैं इसको। ये देखो टी तो हटा दो यहां से, तो 2000 डिवाइडेड बाई आर इंटू 2.303 इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर, आर किलो आर काट देते हैं इसको, कट गया कट गया, ये तो 2000 आ गया अपना, मतलब बी सही है। तो बी और डी आंसर, बी डी आंसर किसमें है, फोर्थ में। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ए इनिशियली, तो पहले हमारे पास इतना है, आफ्टर 10 मिनट 10% कंप्लीट हो गया, 10% कंप्लीट हो गया, मतलब 0.2 कंप्लीट हो गया, 2 का 10% 0.2 बचा कितना, 80 कितना हो गया, 1.8, ए नॉट कितना था 2, ठीक है। और यहां से दिख रहा है कि इसके पावर 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ आपसे पूछा है, तो हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, और के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई, टाइम दिया होगा 10 मिनट, 10 रख देते हैं, लॉग ऑफ ए नॉट पहले कितना था, इतना बचा कितना 1.8, तो यहां से के आएगा, इसमें चिपकाओगे कितना आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इफ 75% कंप्लीट हो रहा है 32 मिनट में, देन 50%, 50% मतलब हाफ लाइफ ही पूछा है आपसे। अब आप चाहे फार्मूला से ही कर लो, तो देखो 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ 50%, टाइम ऑफ 50% का मतलब हाफ लाइफ ही पूछा है, इक्वल टू होता है के, और के अपन रख सकते हैं 2.303 डिवाइड बाय टी कितने में, 32 मिनट, मिनट में ही दिया है, लॉग ऑफ 100, और 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 25, सॉल्व करके यहां से टी हाफ निकाल लीजिए, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, रेडियो एक्टिव, द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट, तो रेट पर डिपेंड, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर का आर इक्वल टू क्या होता है, के ए, अगर इसको ट्रिपल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ट्रिपल होगा, मतलब डिसइंटीग्रेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल होगा। कैसे पता लगा, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर, आंसर सेकेंड हो गया। इसमें आप देख लो, ये ध्यान रखना यार 3 है, तो पहले तो देखो ये आ जाएगा k इक्वल टू 2, k ln में ले जाते हैं इसको ना, k इक्वल टू 1/3 t ln, k इक्वल टू 1/3 t ln c, ये देखो इनिशियल कंसेंट्रेशन ये टाइम t पर है, तो c नॉट बाई c t, सो ln सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 के टी। अब इसका एल एन हटाओ, एल एन हटाओ, या इसको पलटी मार दो, तो एल एन सी टी बाई सी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 3 के टी, एल एन हटाओ तो सी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी नॉट, और ई के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 3 के टी, एलएन हटाओगे तो बेस ई के पावर हो जाता है ना, लॉग होता तो वही 10 to the power चला जाता, एंटी लॉग, एंटी एलएन लिया है हमने, ये आंसर आ गया। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड हुज क्यूबिक यूनिट सेल ए एटम है कॉर्नर पे,
द एटम ऑफ बी इज फेस पे है, बी भैया फेस पर है और सी एटम है बॉडी सेंटर पे, सी है बॉडी सेंटर पे, तो ये तो वन हो गया, फेस से थ्री ये हो गया वन थ्री वन, वन थ्री वन। नेक्स्ट देखिए, फेस सेंटर ए एंड बी, ए एटम है कॉर्नर, ए चलो भाई कॉर्नर पे है, बी एटम है फेस पे, बी एटम फेस पर है, चलो फेस पर, टू एटम आर मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, तो दो मिस कर दोगे तो बचा कितना, सिक्स इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाई एट, देन द फॉर्मूला, इससे तो पूरा का पूरा कितना आएगा, फेस तो पूरा ही बचा है तो वन बाई टू इंटू सिक्स कितना आ गया थ्री। अब देखो ए इसको सिंप्लीफाई कर लो, थ्री टू जा थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर और बी थ्री आ गया, सिंप्लीफाई करो, ए थ्री आ गया और बी कितना आ गया ट्वेल्व, सिंप्लीफाई करो, ए बी फोर, ए बी फोर आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूनिट सेल प्रेजेंट इन, ठीक है फाइव है मोल बना लो इसका, फाइव बाई ए बी का मोलर मास दिया ही हुआ है, फोर्टी मल्टीप्लाइड बाई एन ए, तो एन ए तो कितना हो जाएगा, एन ए बाई एट, एन ए बाई एट तो है ही नहीं कहीं पे, तो ना आंसर हो गया। नेक्स्ट, अ क्रिस्टल एक्स एंड एक्स फॉर्म एफ सी सी, एक्स चलो एफ सी सी में है और वाई ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इफ ऑल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वन बॉडी डायगोनल, चलो भाई ये फेस कहाँ पे है, कॉर्नर और फेस पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अलोंग वन बॉडी डायगोनल, अलोंग वन बॉडी डायगोनल करोगे तो दो कॉर्नर जाएगा और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जाएगा, दो कॉर्नर गया तो बचा कितना, सिक्स इंटू वन बाई एट, ये पूरा का पूरा बचा रहेगा थ्री, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफ सी सी है तो वैसे तो फोर होंगे, बॉडी डायगोनल पास करोगे बीच में भी एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उड़ जाएगा, बचेगा कितना थ्री, ये देखो कितना बचा, थ्री बाई फोर प्लस थ्री तो कितना हो जाएगा बारह, फिफ्टीन बाई फोर तो ये हो गया और ये थ्री हो गया, तो एक्स हो गया फिफ्टीन बाई फोर और वाई हो गया, वाई हो गया थ्री, सॉल्व करो, एक्स हो गया फिफ्टीन और वाई हो गया ट्वेल्व, और फर्क करो एक्स हो गया फाइव वाई हो गया फोर, एक्स फाइव वाई फोर आ जाएगा, एक्स 85 का एक्स फाइव वाई फोर, कोई गड़बड़ सही है। नेक्स्ट करते हैं, इन एंड सेंटर, एंड सेंटर में क्या होता है, सारे कॉर्नर पे एटम होते हैं और दो अपोजिट फेस पे होते हैं, ऐसा कहाँ पे है, वन बॉडी सेंटर बिसाइड वन कॉन्स्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस, तो ये आ जाएगा अपना ना, वन कॉन्स्टेंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ, यही आ जाएगा सही, यस दो अपोजिट फेस पर होते हैं और सारे कॉर्नर पे होते हैं। Which of the following is incorrect? SCP, अब देखो ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, QB closed packing copper में होता है, coordination number of SCP 12 होता ही है, SCP सारे ही सही है वैसे, incorrect तो कोई नहीं है इसमें, ये आ जाएगा। अब example आप देख लेना NCERT में, वो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। A metal crystallizes as क्यूबिक इंटू टू, चलो ठीक है, एफ सी सी एंड बी सी सी, एज लेंथ दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ डेंसिटी, ए मेटल तो सेम ही है, तो डी का वैसे फार्मूला क्या होता है, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यूब, एम देखो सेम है, एन ए सेम ही है, ये ही चलेगा, तो देखो रेशियो ऑफ डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी एफ सी सी, तो D of FCC divided by D of BCC equal to, आ जाओ Z by A cube, edge length दिया हुआ है, FCC and edge length देखो
पहले वाले का कितना आएगा? एफ सी सी का जेड फोर एज लेंथ 3.5 का क्यू डिवाइडेड बाई बी सी सी का जेड टू एज लेंथ दिया है 3 का क्यू। सॉल्व करिए आंसर आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, ये थोड़ा सा ये है कि अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, ठीक है। अब ये आपको रिमेंबर इट, क्योंकि ये क्या है ना, अरे यार चल क्यों नहीं यार पैकिंग एफिशिएंसी तो 74% होता ही है, बाकी एरिया और हाइट ये आप डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि इसको समझाने के लिए थ्री डायमेंशनल हमारे पास कुछ ओरिएंटेशन होना चाहिए ना। यहाँ पे बना भी देंगे तो उतना पता नहीं लगता है, तो आप चाहे तो वहाँ पे यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो। और मैं तो यही कहूँगा कि जो उसका एरिया और हाइट होता है, एरिया और हाइट जो भी होता है उसको याद कर लोगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। याद कर लेना इसको, जो भी है उसको याद कर लेना। पर आ गया अपन। शॉर्ट की डिफेक्ट इन द क्रिस्टल ऑब्जर्व व्हेन इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। ऐसा कहीं में है इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। ये आ गया अपना फोर्थ हो गया, 90 थे, ठीक है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।